हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोटे व बड़े सभी को पसंद आने वाले क्रंची पनीर पॉपकॉर्न। और बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स में हम इसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे उसके लिए 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 4 चम्मच मैदा लेंगे। हम इसकी स्लरी रेडी करेंगे और 2 चम्मच हम लेंगे चावल का आटा जो इसको क्रंचीनेस देगा। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच ऑनियन पाउडर, 1 चम्मच ओरिगेनो और थोड़ा सा नमक। इसका मैं बैटर रेडी करूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे। गाढ़ा करेंगे तो हमारे जो पॉपकॉर्न है उस पर एक लेयर सी आ जाएगी, और पतला करेंगे इसका बैटर तो हमारे पॉपकॉर्न अच्छे नहीं बनेंगे, उस पर लगेंगे ही नहीं पनीर पे। हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाना है इसे। ये एकदम सही कंसिस्टेंसी है। इसमें अब हम डालेंगे पनीर। मैंने 1 कप पनीर को छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि हमें पॉपकॉर्न बनाना है इसका। और 1 चम्मच की सहायता से हम इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। अब इसकी दूसरी कोटिंग के लिए मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स। इसे मैं हाथों से क्रश कर दूँगी और थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स को मैंने मिक्सी में पाउडर बनाया है। आप उसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। और ये जो हाथों से हम इसे करिए, बहुत ही अच्छा हमारे पॉपकॉर्न को क्रंचीनेस देगा। हमारे पॉपकॉर्न बहुत टेस्टी बनेंगे उसे। अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स आप लीजिए या कॉर्नफ्लेक्स को ही थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिए। इसे हम पॉपकॉर्न की सेकंड लेयर करेंगे। अब पॉपकॉर्न की हम दूसरी कोटिंग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है फ्रेंड ये, बहुत ही ज़्यादा खाने में भी स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार हम सारे पॉपकॉर्न की कोटिंग कर लेंगे। सारे पॉपकॉर्न पे सेकंड कोटिंग हो गई है और अब मैं आधा घंटा के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रखूंगी। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। पॉपकॉर्न के ऊपर डालने के लिए मसाला हम रेडी करेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच लिया चाट मसाला, थोड़ा सा लिया है मैंने गार्लिक पाउडर, 1/2 चम्मच ऑनियन पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने तेल को मीडियम फ्लेम में पे गरम करके रखा है और 1/2 घंटा हो गया है हमें फ्रीजर में रखे हुए इसे। और हम एक एक करके अब इसे फ्राई करेंगे। हम तेल को ही ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी प्रकार मैं सारे पॉपकॉर्न को फ्राई कर लूंगी। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा मसाला जो हमने रेडी किया है इसके लिए। फ्रेंड्स, हमारा तो क्रंची पनीर पॉपकॉर्न बनके रेडी है और आप भी इसे जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इसे खाने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।